ज्यादा खबरों के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। अब हमारे वतन आना चाहते हैं, बस हमारी माँ के गोद में आना चाहते हैं, यहाँ नहीं मरेंगे, मरेंगे तो हमारी माँ के गोद में। इस सब का जवाबदार ओनली फॉर मोदी सरकार और केंद्र सरकार रहेगी। कमीना आदमी किसी से भी लेते, उधार करते, क्योंकि हमको बंद क्यों करवाया आपने पहले? ये क्या इंसान नहीं है? उनके घर पे परिवार नहीं है? क्यों हमारे साथ ऐसा खिलवाड़ कर रही है? हमें कौन सा गुनाह किया? गुनाह ये किया हमने आपको वोट दिया, उठा रहे हो तो रोक क्यों रहे हो? आपका कोई हक नहीं बनता हमें रोकने का? अहमदाबाद जाके डेड बॉडियां वापस आ रही है, अभी तक आप नहीं ले रहे हो, क्या कर रहे हो फिर आप? हमको भी बाहर छोड़ देते, कहीं ना कहीं टिकट लेके हम भी जाते थे, किसी से भी लेते, उधार करते, क्योंकि हमको बंद क्यों करवाया आपने पहले? अगर बंद करवाया ये लोग आज दिन तक आप नजर में नहीं आ रहे तो फिर दूसरे कैसे आ रहे? ये क्या इंसान नहीं है? उनके घर पे परिवार नहीं है? उनके कोई बच्चे वगैरह, उनके माँ बाप नहीं है? उनकी परिस्थिति खराब नहीं है? उनका कोई इंतजार नहीं कर रहा? हम हमारे वतन आना चाहते हैं, बस हमारी माँ के गोद में आना चाहते हैं, यहाँ नहीं मरेंगे, मरेंगे तो हमारी माँ के गोद में। इस सब का जवाबदार ओनली फॉर मोदी सरकार और केंद्र सरकार रहेगी। क्यों हमारे साथ ऐसा खिलवाड़ कर रही है? हमें कौन सा गुनाह किया? गुनाह ये किया हमने आपको वोट दिया और प्रधानमंत्री तक वहाँ बिठाया। हम बस आपसे अपील करते हैं, जितना हो सके इतना जल्दी हमें यहाँ से उठाओ। क्यों नहीं उठा रहे हो आप? नहीं उठा रहे हो तो रोक क्यों रहे हो? आपका कोई हक नहीं बनता हमें रोकने का? हम इंडिया के हैं, हमारी नागरिकता है, हमारी जन्मभूमि है, हम मरेंगे तो वहां मरेंगे और जाएंगे तो भी वहां जाएंगे, आप क्यों रोक रहे हो हमें? कुवैत गवर्नमेंट हमें इतना सपोर्ट दे रही है, अपने खर्चे से हमारे घर तक भेजने का दावा कर रही है, फिर भी आप क्यों रोक रहे हो? आप तो चाहते हो तो मेडिकल ले लो, मेडिकल लेके हमको उठाओ यहाँ से, जो मरीज है उसको छोड़ो, उसका ट्रीटमेंट करो, आपको चाहिए तो करो, नहीं तो वो भी कुवैत गवर्नमेंट करेगी, और जो चाहिए उनको तो उठा लो, सबको मौत के घाट क्यों उतार रहे हो? क्यों मार रहे हो? आज महीना भर हो गया, अभी तक आपकी कोई सुनवाई नहीं है, कब तक करोगे आप सुनवाई? अभी तक आप क्यों नींद में हो? क्यों आपके कानों में आंखों में कहीं ये बातें नहीं आ रही है? ओनली फॉर साउथी दिख रहा है आपको? सबसे पहले कुवैत एम्बेसडर हटाओ यहाँ से, नहीं चाहिए, एक नंबर कमीना आदमी है, ये आदमी नहीं चाहिए, और विदेश मंत्री भी नहीं चाहिए। ऑल बेस्ट पूरे भाइयों को बोलता हूँ, ये दो आदमी नहीं चाहिए, बिल्कुल व्यक्तिगत बिल्कुल खिलवाड़ कर रहे हैं। और मोदी सरकार को बोलता हूँ, राजस्थान सरकार गहलोत कहाँ सोया हुआ है अभी तक? इसलिए आपको वहां सीट दी थी हमने। जल्दी से जल्दी इस बात का निर्णय लो आप, लॉकडाउन 6 महीने तक कर दो, हमें कोई परवाह नहीं है, जिंदगी भर लॉकडाउन रखो पूरे राज्य में, लेकिन हमें उठाओ, क्यों बंद कैद कर रखा? हमारे घर वालों की हालत क्या हो रही है पीछे? किसी का घर का एक ही दीपक है, एक ही बेटा है, किसी ने अपने घर से जमीन जायदाद खेती बाड़ी रकम भाव सब कुछ बेच के उस बेटे को यहाँ कुवैत भेजा। आज वो इस परिस्थिति में, हो सकता है घर गया या नहीं गया, उसकी डेड बॉडी भी नहीं जा रही है, तो फिर कब तक ले जाओगे? क्या होगा उसके साथ, उस परिवार का क्या होगा? आप दोगे उसको खर्चा? आप जिंदे उनको करोगे? अहमदाबाद जाके डेड बॉडी वापस आ रही है, अभी तक आप नहीं ले रहे हो, क्या कर रहे हो फिर आप? है कोरोना से तो मरेंगे जब मरेंगे, इसके पहले लोग वैसे ही मर रहे हैं, वैसे शिकार हो रहे हैं, कोरोना से क्या मरे? आप मर रहे हो लोगों को।